हाय गाइस, व्हाट्स अप, दिस शुभजी भट्टाचार्य और शुभ टीम। दोस्तों, कहते हैं जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं, क्या सच है? जी हाँ, बिल्कुल सच है। आज आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद इस चीज़ को कबूल करेंगे। कैसे? आज जो मैं आपको सिखाऊंगा या फिर जो वीडियो में बताऊंगा, उस चीज़ को आप अपने लाइफ में या फिर अपने दोस्तों के लाइफ पे, अपने माता पिता के लाइफ में, अपने घर पे, सब जगह यूज़ करके आप देख सकते हैं ये कितना सही है कितना गलत है, जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है या नहीं। तो इसके लिए आपको पूरा इस वीडियो को देखना पड़ेगा, आधा बीच में छोड़ने से फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पहले आया है, सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इससे क्या होगा, मैं जो भी वीडियो आपका वो फ्री नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, इस वीडियो को समझने के लिए आपको मूलम और भाग्यांग की बेसिक नेचर और उसके बारे में जानना होगा। इसलिए मैं कहूँगा वीडियो पे आके में जाके या फिर आई में क्लिक करके आप लोग मूलम और भाग्यांग की प्लेलिस्ट में देख ले तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, एक व्यक्ति के एग्जांपल ले रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों, आप यहाँ पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर जो है मूलम और भाग्यांग इस डेट ऑफ बर्थ से कैसे निकाल जाए। दोस्तों, जो डेट है उसको डेट को प्लस करके हमें मूलांक मिलेगा और डेट ऑफ बर्थ को पूरा प्लस करके दोस्तों हमें भाग्यांक मिलता है। इस व्यक्ति की मूलांक 3 है और भाग्यांक 9 है। इस व्यक्ति की अगर शादी करना है तो हमको इस व्यक्ति की मूलांक से मूलांक मैच करना होगा या फिर मूलांक से भाग्यांक मैच करना पड़ेगा। मतलब इसका मूलांक 3 है तो इस व्यक्ति की अगर या फिर औरत है उसकी शादी ऐसे कोनो व्यक्ति से करवानी पड़ेगी जिसकी मूलांक और भाग्यांक 3 होगा या फिर भाग्यांक मूलांक 3 होगा तभी शादी होगा। मतलब भाग्यांक भाग्यांक मैच करना चाहिए या फिर भाग्यांक मूलांक मैच करना चाहिए या फिर मूलांक भाग्यांक या फिर भाग्यांक मूलांक, मतलब मूलांक के साथ मूलांक मैच करना चाहिए या फिर भाग्यांक मैच करना चाहिए तभी होगा। अगर हम इसके भाग्यांक से देखेंगे तो इसका भाग्यांक 9 है तो इस व्यक्ति की शादी उसी व्यक्ति से साथ होगी जिसकी मूलांक 9 होगा या फिर भाग्यांक 9 होगा तभी इस व्यक्ति की शादी होगी। अगर मैं आपको एग्जाम्पल तौर पर मेरे पेरेंट्स या फिर मेरे दोस्तों के पेरेंट्स की दूँ या फिर मेरे और किसी के रिश्तेदार की, तो आपको यकीन नहीं आएगा। तो मैं एक बहुत ही चर्चित विषय है जो लेना चाहूँगा, विराट कोहली अनुष्का शर्मा, आप सभी को पता है इनके बारे में। तो हमें विराट कोहली की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों, अरे अनुष्का शर्मा की डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों। अब गौर करेंगे, विराट कोहली की मूलांक 5 है और भाग्यांक 6 है, अनुष्का शर्मा की मूलांक 1 है और भाग्यांक 5 है। यहाँ पर आप टोटल करके देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर गौर करेंगे तो देखेंगे इनकी मूलांक और भाग्यांक मैच कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 5 है यहाँ पर 5 है। तो इनके बारे में जो रूमर्स था वो रूमर्स को हम हटा दे रहे हैं दोस्तों और देखिए इनके शादी होंगे। क्यों? इनकी भाग्यांक और मूलांक मैच कर रहे हैं जिसकी वजह से इनकी शादी होना तो तय, तो ऊपर से है तो हम इस पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये ऊपर से तय है दोस्तों। जब भी किसी व्यक्ति की मूलांक के साथ मूलांक मैच करेगा या फिर भाग्यांक मैच करेगा तभी इनकी शादी होगी, या फिर भाग्यांक के साथ मूलांक मैच करेगा या फिर भाग्यांक के साथ भाग्यांक मैच करेगा तभी इनकी शादी होगी। मैं और एक एग्जांपल आपको ज़रूर देना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ये है ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और सलमान खान। पहले रोमांस था कि सलमान के साथ ऐश्वर्या की शादी होने की या फिर प्रेम संबंध होने की, लेकिन इनकी नहीं हुई। क्यों? हम सभी को पता है जो ऐश्वर्या है दोस्तों इनकी मूलांक 1 और मूलांक 5 है दोस्तों, और सलमान खान की मूलांक 9 और मूलांक 6। आप यहाँ पर कहीं पर भी मैच देख रहे हैं दोस्तों, मूलांक के साथ मूलांक या फिर भाग्यांक के साथ भाग्यांक, मूलांक भाग्यांक या भाग्यांक मूलांक के साथ, आप यहाँ पर मैच नहीं से देख सकते दोस्तों। दोस्तों ये डेट है अभिषेक बच्चन की और ऐश्वर्या राय की। आप अगर यहाँ पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा ऐश्वर्या राय की मूलांक 1 है और भाग्यांक 5 है, अभिषेक बच्चन की मूलांक 5 है और भाग्यांक 3 है। तो आप गौर करेंगे मूलांक और भाग्यांक यहाँ पर मैच कर रहा है दोस्तों दोनों की, जिसके कारण से मैं कह सकता हूँ इनकी शादी ऊपर से तय थी और इनकी शादी होगी। जितनी रूमर्स जितनी जो आए इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों? इनकी शादी पहले से ही तय है दोस्तों। तो यहाँ पर जब भी मूलांक के साथ मूलांक या फिर भाग्यांक मैच करेगा या फिर भाग्यांक के साथ मूलांक या फिर भाग्यांक मैच करेगा तभी शादी होगी। अगर शादी हो रही है ऐसे
नहीं मैच करके, तो मैं कह सकता हूँ इनकी जोड़ी डिवोर्स में तब्दील हो सकती है। छोटे मोटे झगड़े, हर वक्त झगड़े, एक दूसरे को समझ नहीं पाना, ये हर प्रॉब्लम जो आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा डिवोर्स केसेस, तो जैसे कोई आम बात होगी आजकल के ज़माने में, तो ये सब कुछ इसी कारण से होता है दोस्तों। क्यों? हम जब अपने जो किस्मत थी इसके साथ खेलने की कोशिश करते हैं, इसकी वजह से हो रहा है दोस्तों। तो मैं कुछ कहूँगा ज़रूर, जैसे हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता कि मूलांग और भाग्यांग मैच करें, यहाँ पर 90% केस ऐसा होता है, लेकिन कुछ केसों में ऐसा नहीं होता। क्यों? जब भी हम गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों, जैसे एक मूलांक वाले के साथ एक मूलांक की मैच होगी या फिर उसकी भाग्यांक की मैच होगी। मूलांक एक है सूर्या, मूलांक चार के बाद सातवीं शादी हो सकती है दोस्तों। मतलब किसी का मूलांक एक है तो उस व्यक्ति की चार नंबर से भी शादी हो सकती है, क्योंकि इसका ऑल्टरनेटिव है मतलब यूरेनस या फिर राहु साथ सूर्य की शादी हो सकती है दोस्तों। चार नंबर के साथ मतलब किसी का मूलांक एक है तो भाग्यांक चार के साथ, मूलांक चार के साथ भी शादी कर सकती है, या फिर किसी का मूलांक चार है और भाग्यांक चार के साथ, भाग्यांक मूलांक एक के साथ या फिर भाग्यांक एक के साथ शादी कर सकती है दोस्तों। यहाँ पर मैच हो सकता है। इसी तरह दोस्तों नंबर टू की मैं बात करूँगा दोस्तों, यहाँ पर नंबर टू की शादी हो सकती है दोस्तों नंबर सेवन के साथ, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव नंबर है इसका मैरिज करने के लिए। और इस केस में नंबर सेवन के साथ मैं इस केस में कहूँगा कि ये दोनों व्यक्ति जो होगा दोस्तों, नंबर एक और नंबर चार, नंबर दो और नंबर सात, इसकी शादी होगी, ये लाइफ में पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ शेयर किए हैं, कुछ बड़ा कुछ शेयर या फिर वादा किया, जिसके कारण से इस ज़माने में ये लोग मिल रहे हैं दोस्तों। मेरे पास ऐसा एक डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन आप लोग यकीन नहीं करेंगे इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, लेकिन ऐसा मैंने देखा है। एक कुंडली में भी आप चेक कर सकते हैं, ऐसा भी केस होता है दोस्तों बहुत सारा मैंने देखा है दोस्तों। तो मैं कुछ नंबर आपको बताऊंगा जिस नंबर के साथ जिस नंबर की मैच खाती है, और जिस नंबर के साथ जिस नंबर की मैच खाती है आप उन करने की बात है। जैसे मैं अभी कहा कि एक के साथ चार की शादी हो सकती है, दो के साथ सात की शादी हो सकती है दोस्तों। इसी तरह चार और चार की शादी अवॉइड करना है दोस्तों, यहाँ पर चार और चार की शादी अवॉइड करना है। क्यों? ये दोनों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जिसके कारण झगड़ा होने लगेगा। आठ के साथ आठ के इस केसेस में भी आपको अवॉइड करना है कि दोनों ही बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ही आलसपन दिखाएगा, जिसके कारण से आपको यहाँ पर अवॉइड करना होगा दोस्तों। और यहाँ पर तीसरे नंबर पर है नंबर टू। नंबर टू वाला कैसे होता है दोस्तों, ये दोनों ही दोस्तों फॉलोअर होते हैं, जिसके कारण से ये बहुत ही अच्छे हो सकते हैं या फिर बहुत ही बुरे मैच हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको अवॉइड करनी होगा दोस्तों। तो मैं दोस्तों मैं आपको मैच बताने वाला हूँ किस नंबर के साथ किस मैच की जोड़ी सबसे बढ़िया होगी दोस्तों। तो नंबर एक के साथ चार और एक आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर नंबर दो के साथ दो और सात मैच हो सकते हैं। दो को अवॉइड करेंगे या फिर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम अच्छा एक्सट्रीम बुरा होने के चांसेस रहते हैं। नंबर थ्री के साथ नंबर थ्री सबसे बढ़िया मैच में से एक कहूँगा मैं दोस्तों। नंबर चार और एक की जोड़ी मैं कहूँगा यहाँ पर, क्योंकि चार के साथ करना है। तो अगर नंबर पाँच के साथ करना है दोस्तों, यहाँ पर मैं ये ए वाला है दोस्तों, पाँच और छः के साथ कर सकते हैं। नंबर पाँच को नंबर छः के साथ कर सकते, जो दीपिका और रणबीर के बीच कुछ देर पहले हुआ, आप उनकी डेट ऑफ बर्थ चेक कर सकते हैं खुद से, तो आपका इंटरेस्ट और भी जगेगा दोस्तों। ये दीपिका रणबीर की एक एग्जांपल के तौर पर सबसे बढ़िया एग्जांपल होगा दोस्तों। नंबर पाँच और नंबर पाँच के साथ नंबर पाँच और नंबर छः के साथ ही कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर नंबर छः, नंबर छः के पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव नंबर होते हैं दोस्तों। नंबर छः नंबर छः के साथ कर सकते हैं, नंबर छः नंबर पाँच के साथ, यहाँ पर नौ के साथ भी कर सकते हैं दोस्तों। मूलांक पाँच या मूलांक भाग्यांक पाँच, यहाँ पर इसके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं दोस्तों। अगर मैं नंबर सेवन के पास जाऊँ दोस्तों, तो नंबर सेवन के पास जाने से दोस्तों हमें मिलेगा दोस्तों, जो सेवन वाला सेवन के साथ कर सकते हैं या फिर टू के साथ कर सकता है दोस्तों। अगर टू के साथ सेवन करेगा तो मैं कहूँगा कि पास्ट लाइफ कलेक्शन यहाँ पर ज़रूर होगा, या फिर नंबर वन नंबर फोर के साथ करेगा तो पास्ट लाइफ कलेक्शन यहाँ पर ज़रूर बनता है दोस्तों। मतलब आगे से आगे के लाइफ में या पिछले लाइफ में कहीं पर भी इसे कुछ शेयर किया हुआ वादा रखा, जिसके कारण से इस लाइफ में इनकी जोड़ी मिल रहा है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर आठ के बारे में कहूँगा, तो आठ को थोड़ा सा अवॉइड करें तो बहुत बढ़िया होगा। आठ के साथ आठ की जोड़ी अच्छी नहीं कह सकते, अगर नहीं मिला तो बहुत बढ़िया है तो आप कह सकते हैं। मतलब आपके अगर मूलांक आठ है दोस्तों, यहाँ पर भाग्यांक आया था, तो आप उसके उल्टा दूंगे, मतलब इसकी मूलांक है तो भाग्यांक अगर कोई और नंबर आ रहा है तो आप उनके साथ करवा सकते हैं, उस नंबर को गौर करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। या फिर भाग्यांक आठ आ रहा है, मूलांक कुछ और है तो मूलांक के साथ कर सकते हो। मतलब यहाँ पर आपके साथ अगर आठ के दोनों ही आठ है, मूलांक भी आठ है भाग्यांक भी आठ है, बहुत लोगों का ऐसा होता है दोस्तों, तो आप लोग नंबर एक के साथ नंबर तीन के साथ नंबर पाँच के साथ नंबर छः के साथ कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आपको मिल रहा है दोस्तों। और नंबर नाइन को दोस्तों नंबर नाइन के साथ नंबर छः के साथ कर सकते हो दोस्तों। एक कुछ नंबर है दोस्तों जो आप जिनके साथ आप लोग
जोड़ी बनाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप इस चीज़ को, आप इस फॉर्मूला को अपने घर पर भी करके देख सकते हैं। अगर आपको इसके और गहरे में जाना तो कुंडली के पास जाना होगा, मतलब कुंडली मिलान तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके पास। अगर आप लोग देख रहे हैं कि घर में कोई प्रॉब्लम दाइक है तो आप अच्छे ज्योतिष के पास जाकर सलेशन ले सकते हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा दोस्तों। दोस्तों मेरा वीडियो यहीं तक था, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना, मैं आकर ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। और वीडियो देखने के दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।